दोस्तों आज मैं आपको तीन बिजनेस ऐसा बता रहा हूं जो 2022 में आज के समय में 2022 में अगर यदि आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे। अगर आप गरीब हैं, बेरोजगार हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ करूं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ मेरे दोस्त, गलती मत कीजिएगा, इसको छोड़ करके जाएंगे तो बाद में आपको सच में पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो पे मैंने जो काम बता रहा हूं इस पे मैंने ऑलरेडी पहले कमा चुका हूं, कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको समझा पा रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप भी अपने आप को बेरोजगार मानते हैं या फिर आपके पास भी पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है और अपने आप को गरीब मानते हैं तो आपको यह वीडियो देखना चाहिए, सुनना चाहिए। मैं ऑलरेडी इस काम को पहले से कर रखा हूं इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। एक ऐसा भी समय था कि मैं भी ठोकरे खाता फिरता था, है ना, धक्के खाता फिरता था और काम की तलाश में भटकता था, कोई काम सूझ नहीं रहा था क्योंकि मैं भी बहुत गरीब, एकदम पिछड़ा हुआ, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जिसके पास कुछ भी नहीं था, ऐसे परिवार से मैं उठ करके थोड़ा बहुत आगे आया हूं। मैं चाहता हूं कि इसको अपने आप तक न रखूं, आपके साथ शेयर करूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं करोड़पति हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत धनवान हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि आज मैं सुकून से रह रहा हूं, अच्छे तरीके से कमा रहा हूं और अच्छा अपना फैमिली में, अपने घर पे, अपने परिवार में रह करके अपनी खुशियां से अपनी जिंदगी बिता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपके साथ ये शेयर करूं। अगर आप भी बेरोजगार हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, आप चाहते हैं कि मैं भी कुछ करूं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, देखिए बहुत से लोगों के पास ऐसा होता है कि उनके पास पैसा बहुत होता है लेकिन समझ नहीं आता कि क्या करें, उसका भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, गरीब होते हैं और वो चाहते हैं कि यार हम करें तो क्या करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ, एक लाइक कर दीजिए, लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की जो घंटी आती है उसको भी आप ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब और लाइक सब कुछ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो बातें आपको बता रहा हूं इसकी भावनाओं में आप खोने वाले हैं। ठीक है, इत्मीनान से देखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख रखा हूं, मैं आपको समझाता हूं कि सबसे पहले मैं क्या करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। बहुत से लोग होंगे जो नए होंगे, नहीं जानते होंगे मुझे। दोस्तों, मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने 12वीं तक पढ़ा हूं, प्लस टू मैंने किया है वो भी एक सरकारी स्कूल से, एक हिंदी मीडियम स्कूल से। ठीक है, और मैं एक चीज बताता हूं कि मैं भगवान को बहुत मानता हूं, मैं भगवान पे विश्वास रखता हूं। ठीक है, और भगवान के मर्जी के बगैर मैं कोई काम नहीं करता, ऐसा मेरा मानना है कि उनके मर्जी के बगैर कोई काम होता भी नहीं है। आप चाहे कितना भी मेहनत करते रहें, भगवान पे अगर विश्वास नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे यार। कुछ ना कुछ तो ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे थ्रू, आपके थ्रू या हर किसी इंसान के थ्रू काम करती हैं, वही हमें मोटिवेट करती हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप गरीब हैं, सच में अगर आप गरीब हैं और आप कुछ करना चाहते हैं, तो एक बार अपने बच्चों की तरफ, अपने पत्नी की तरफ, अपने माता पिता की तरफ एक बार जरूर देख लीजिएगा। और उनको देख करके अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है ना, आपको लग नहीं रहा है कि यार ये जिस हालात में है, कैसे मैं इनको इस हालात से बाहर करूं, अगर ऐसा आपके अंदर मतलब जुनून नहीं जग रहा है ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कितना भी आप वीडियोस देख लेंगे, कितना भी मोटिवेशन कर लेंगे, कितना भी पैसा कमा लेंगे, पैसा कहां से कमाएंगे यार, मोटिवेट जब होंगे तभी तो कमाएंगे ना। जब आप अपने फैमिली के लोगों को, किसी के भी, मतलब मैं ये नहीं कहता इसको, किसी को भी देख करके अगर आपको लगता है यार कि अगर इसकी हालत ये है तो मैं इस हालत को क्यों नहीं बदल रहा हूं, अगर ऐसा आपको होता है या फिर ऐसा सोचते हैं, तो आप, सच कह रहा हूं मैं, एकदम मतलब क्या नाम दूं यार, एकदम गांठ बांध लीजिएगा जो मैं बातें आपको बता रहा हूं। ऐसा अगर आपके दिमाग में आता है, जहन में आता है कि हाँ यार मैं इसको बदलना चाहता हूं, इस परिस्थिति को मैं तोड़ना चाहता हूं, यार ये 10-10 रुपए के लिए, 100-100 रुपए के लिए मेरे घर में मारामारी होती है, मैं इसको मतलब बदलना चाहता हूं, मैं क्या ऐसा करूं, अगर उनको देख करके आपको अंदर एक आग लगती है, एक झिझक होता है, एक अपने आप को ऐसा महसूस होता है कि क्यों नहीं मैं कुछ कर रहा हूं, उनको देख करके अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है, सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है। बाकी किताबों में, वीडियोज में, अलग अलग लेक्चर सुनेंगे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जो फैमिली लोग हैं अगर उनको देख करके आपको मोटिवेशन अगर मिलता है तो सच में आप जिंदगी बदल के रख देंगे, अपनी क्या, अपने पूरे परिवार की जिंदगी बदल के रख देंगे, उस हालात से बहुत आगे लेकर जाएंगे जहां पे कभी आपने सच में नहीं सोचा था। गरीब आदमी गरीब क्यों होता है, यही तो कारण है, यही कारण है। जैसे मान लीजिए, मैं थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं, मैं आपको वो बिजनेस भी बताऊंगा, मैं आपको बोर नहीं कर रहा, ये मत समझिएगा कि मैं आपको बोर कर रहा हूं, मैं आपको रिलेट करा रहा हूं पहले, ताकि आप महसूस करें कि इस दौर से जिंदगी जो है चलती है और इस तरीके से लोग परेशान रहते हैं। देखिए, गरीब फैमिली में क्या होता है, अगर कोई बीमार पड़ गया, कोई रिलेशन में बीमार पड़ गया, अब जानते हैं क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप हैं और आपकी वाइफ की बहन का अगर तबीयत खराब हो गया, आप मतलब आप एक पति हैं और आपके
पत्नी का जो सिस्टर है उसका अगर तबीयत खराब हो जाता है दूर दराज कहीं 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर अगर उसका तबीयत खराब हो जाता है तो आपकी जो वाइफ है ना वो कहेगी यार चलिए वहाँ पे मेरी बहन का तबीयत खराब है, है ना। जबकि उसको पता है कि उसको देखने वाले 4 लोग अभी और हैं वहाँ पे बैठे हैं, वो देख रहे हैं। आप एक मुझे बात बताइए, अगर आपकी पत्नी की जो सिस्टर है अगर उसका तबीयत खराब है तो आप क्या कर सकते हैं? आप जाएंगे और जा करके देख करके चले आएंगे तो क्या उससे आपका जिस व्यक्ति का तबीयत खराब है उसका व्यक्ति का जो दर्द है वो कम हो जाएगा? हो जाएगा कम? नहीं होगा ना। आप जब हाँ जाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, उस मकसद से जाना चाहिए, इसलिए जाना चाहिए कि मैं वहां पे जाऊंगा तो उसकी सेवा करूंगा, उसका देखभाल करूंगा, उसको अगर खाना खाने का बनाने का या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो पैसे का या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है हेल्प करना है तो मैं उसके लिए करूंगा। ऐसा नहीं कि आप जाएं और सिर्फ उसको देख करके चले आएं। उस व्यक्ति को, उस मरीज को आप देख करके चले आएंगे तो क्या उससे क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा? पहला तो आप उस जो परेशान है वो तो है ही, दूसरी आप भी परेशान होंगे, तीसरा आपका पैसा भी इन्वेस्ट होगा और चौथा आपको कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, लेकिन वही आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, साथ में उस व्यक्ति को भी जिससे आप मिलने जा रहे हैं उसको भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो गरीब आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। देखिए, जो कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कुछ बड़ा उसका गोल है, कुछ ऐसा मकसद है जो उसके लिए वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, वही पाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, गोल तो सेट कर लेते हैं, चाहते हैं कि मैं ये काम करूंगा, मैं इस लक्ष्य को पाके रहूंगा, लेकिन उसके बाद जब उसके साथ जब प्रॉब्लम आती है ना तो उससे हम भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपका कोई लक्ष्य है और आपके बीच में किसी का तबीयत खराब हो गया, आपके फैमिली में किसी का भी तबीयत यदि खराब हो जाता है तो क्या आप उस लक्ष्य के लिए जाएंगे कि पहले इलाज कराएंगे? मेरे को एक मतलब कमेंट में लिखिएगा क्या करेंगे आप। अगर आप समझदार होंगे, आप समझ रहे होंगे, सिचुएशन को देख रहे होंगे और आप समझ में आ रहा है कि हाँ यार देखिए ये जल्दीबाजी में नहीं होता है, इसको बड़े आराम से सोचना होता है, कोई भी फैसला तत्काल में नहीं लिया जाता है, मेरी बातें सुनकर के या किसी की भी बातें सुनकर के आप फैसला नहीं ले सकते, आपको उस सिचुएशन को देखना होता है कि क्या मेरी सच में वहां जरूरत है, क्या मैं वहां जा रहा हूं तो इस हालात को मैं बदल सकता हूं, क्या अगर मैं नहीं गया तो क्या हो सकता है। ये सब मतलब देखिए उसका प्लस पॉइंट भी, उसका माइनस पॉइंट भी, सब कुछ देख करके सोच करके तब फैसला लेना होता है। और गरीब लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, जल्दीबाजी में आकर के वो फैसला लेते हैं। अगर ये हो गया चलो सब काम छोड़ो, भले चूल्हा भाड़ में जाए, कंप्यूटर खराब हो गया, ये सब कुछ त्याग करके और चले जाएंगे, वहां पे जाएंगे, कहेंगे जिंदगी रहेगी तभी। अरे भाई जिसको जो होना है, जिस हालात में जिसको गुजरना है उसको वो तो गुजरेगा ना, लेकिन आप अपनी हालात क्यों खराब कर रहे हैं जानबूझ करके? आप जानते हैं कि मैं वहां जाकर का उसका दर्द कम नहीं कर सकता, उसके बावजूद भी आप अपना सब कुछ छोड़ करके, अपना लक्ष्य छोड़ करके, अपना पैशन छोड़ करके, अपना मकसद छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके आप वहां चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि आपको नहीं जाना चाहिए, और मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको जाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि सही समय पर सही फैसला लेना चाहिए, यही बुद्धिमानी होती है और यही इंसान का मतलब पहला कर्म होता है कि अच्छे तरीके से समझ करके, सिचुएशन को देख करके जो है अपना कदम उठाए। मैं इसलिए ये सब आपको बता रहा हूं कि गरीब आदमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। अगर किसी की शादी है ना तो वो अपना कहीं काम कर रहा है तो वहां से छुट्टी लेकर के आ जाएगा कि मेरे दोस्त की शादी है, मेरे रिलेशन में शादी है। अरे शादी है, जिसकी शादी है उसकी शादी है, क्या अगर तुम वहां नहीं जाओगे, क्या आप वहां नहीं जाओगे तो क्या उसकी शादी रुक जाएगी, क्या नहीं होगी क्या? अरे दूर दराज का दोस्त है, ऐसा भी नहीं कि कोई आपका भाई है, अगर आपका भाई भी होता ना तो भी अगर यदि आप नहीं आते हो किसी बस कारण, किसी ऐसे सिचुएशन अगर है आपके साथ, अगर आप नहीं आ रहे हो तो भी आपके भाई की शादी हो जाएगी, वो तो आपका दोस्त है। अगर उसके शादी में अगर आप नहीं जाओगे तो वो ज्यादा से ज्यादा दिन 1 साल 2 साल 5 साल नाराज रहेगा, लेकिन अगर आप किसी काम को छोड़ दोगे, अपने लक्ष्य को छोड़ दोगे, अपने मकसद को छोड़ दोगे तो आप जिंदगी भर पछताओगे और उसका पछतावा किसी से कह भी नहीं सकते और किसी पे दोष भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। मैं दोस्तों आपसे यही कहना चाहता हूं कि गरीब होने का सबसे बड़ा कारण यही है, और गरीब आदमी इसीलिए परेशान रहता है क्योंकि वो सही समय पे सही फैसला नहीं लेता है, जल्दी में बाजी में आकर के गलत फैसला ले लेता है और जीवन भर रोते रहता है, जीवन भर पछताता रहता है। आज मैं आपको 3 बिजनेस, मैंने शुरू में बताया था कि आज आपको मैं 3 बिजनेस ऐसा बताऊंगा जो आज 2022 में यदि आप स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, पहला बिजनेस, अगर आपके पास पूंजी नहीं है और आपको पैसा नहीं है, आप मतलब चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको अगले 1 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए ये सोचना होगा कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए। देखिए
काम हजार प्रकार का है, मैं किसी काम का नाम नहीं रखूंगा कि आपको ये करना चाहिए। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, अगर आप कुछ भी नहीं सीखे हैं, आपको लगता है कि मैं सिर्फ 8 तक 10 तक 12वीं तक पढ़ा हूं या फिर अनपढ़ हूं, और आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, तो आपको सबसे पहले मार्केट को देखना चाहिए कि हमारे गांव में, अगर गांव में रह करके करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं बिजनेस के बारे में ही बता रहा हूं, मैं नौकरी के बारे में नहीं बता रहा हूं कि आप यहां जाइए वहां नौकरी कीजिए, वहां जाकर के नौकरी करना है तो कोई भी कर लेगा, लेकिन मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूं कि अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं जीरो से शुरुआत करूं और क्या करूं ऐसा, तो सबसे पहले अपने ऑब्जर्व कीजिए लोगों को कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, इसका अच्छा इसमें क्या ऐसा बेस्ट है जो मैं कर सकता हूं, क्या इसमें ऐसा डिमांड है, लोगों को क्या जरूरत है, लोग किस चीज़ से परेशान है। लोग देखिए, लोग जिस चीज़ से परेशान होते हैं, कस्टमर जिस चीज़ से परेशान होते हैं, उसका सोल्यूशन आप निकाल देते हैं, उसका निवारण आप कर देते हैं, तो लोग जो है, ग्राहक जो है आपके हो जाते हैं और आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है, आपको लगता है कि मेरे गांव में रोजा का महीना है, रमजान का महीना है, या फिर किसी पर्व त्यौहार है, कोई व्रत है, कोई ऐसा है, उस समय का, उस वक्त उस चीज का प्रोडक्ट लाइए, उस तरीके का कोई फल लाइए, कोई फ्रूट लाइए, कुछ ऐसा चीज ला करके सेल कीजिए, और ज्यादा मात्रा में मंगाइए, ज्यादा मात्रा में सेल कीजिए, अगर कम बजट है तो कम मात्रा में मंगाइए, कम। देखिए, शुरुआत आपको भाग दौड़ से, मेहनत से ऐसा ही करना होता है। कोई ऐसा सोचेगा कि मैं 1 लाख लगा करके कल 2 लाख लगा लूंगा, ये डूब जाएगा और आप बर्बाद हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास 1000 है, 500 है, 2000 है, 5000 है, 10000 है, अगर इतने रुपए हैं तो उसको इस जगह पे इन्वेस्ट कीजिए कि कल से उसका रेवेन्यू बढ़ेगा। 10,000 का केला लाए तो उसको सोचिए मैं 12-13,000 का 2-3 दिन में कैसे बना सकता हूं। अपना माइंड लगाइए, अभी किस चीज का समय चल रहा है, क्या अभी सर्दी का समय चल रहा है, क्या अभी छाता बिकेगा, क्या कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं अगर लाऊं और उसको सेल लगाऊं, अच्छे तरीके से लाऊं और अच्छे तरीके से सेल लगाऊं, अगर मुझे पर पीस 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जिस हिसाब से जो प्रोडक्ट हो उस हिसाब से मैं क्या ऐसा करूं, ये माइंड आपको लगाना होता है, कोई आपको बताएगा नहीं। देखिए, किसी से आप पूछेंगे कि भाई मैं अभी क्या बिजनेस करूं, तो कोई आपको ये कहेगा ये कर ले, वो कर ले, हजार बहाने, हजार आइडियाज लोग आपको दे देंगे, लेकिन सोचना आपको है, करना आपको है, पैसा आपको है, डूबेगा तो आपका डूबेगा, अगर पैसा बढ़ेगा तो आपका बढ़ेगा, इसलिए फैसला भी आपको लेना चाहिए। कोई भी बिजनेस करने से पहले, मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि कोई भी बिजनेस करने से पहले अच्छे तरीके से उस मार्केट में, अपने गांव में, जहां पे उस काम को करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, परख लीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद से आप स्टार्ट कीजिए। लेकिन कभी भी शुरुआत जो है जीरो से स्टार्ट कीजिएगा, मतलब कम पूंजी से स्टार्ट कीजिएगा। जीरो का मेरा मतलब है कि 2000, 5000, 10000 से नीचे में ही सोचिए कि मैं कुछ करूं, ऐसा नहीं कि आप 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 2-2 लाख रुपये लगा दीजिए, आपका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि आप बिना सीखे कुछ भी करेंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा, और सीख करके, ठोकरे खा खा करके यदि सीखते हैं तो आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि आपको कोई तोड़ने वाला भी अगर तोड़ेगा तो टूटेंगे नहीं आप। दूसरा जो आइडियाज मैं आपको बता रहा हूं वो ब्लॉगिंग का है। अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, 8वीं 10वीं तक आपको हिंदी अंग्रेजी आती है, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना समझना आता है, तो आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए। ये ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉगिंग होता है जो मोबाइल फोन में आपने देखा होगा, गूगल पे आप लिखते हैं आज बारिश आएगा या नहीं आएगा, तो गूगल पे कुछ वर्ड लिखे होते हैं, आपने देखा होगा गूगल पे, मतलब जब लिखते हैं ना कि आज बारिश आएगा कि नहीं आएगा, तो उसमें कुछ ऑप्शन आते हैं और उसमें लिखे होते हैं कि आज मौसम इस कारण से बारिश आएगा या नहीं आएगा, इन इन क्षेत्रों में बारिश आने वाला है या नहीं आएगा। ये जो लिखते हैं, ये लिखते कौन है? यही लोग हैं ब्लॉगर, यही ब्लॉगिंग करते हैं। कोई हेल्थ के बारे में लिखता है, कोई मोटापा के बारे में लिखता है, कोई मौसम के बारे में लिखता है, कोई जिस चीज़ के बारे में, जिसको नॉलेज है उस बारे में जो है अपना ब्लॉगिंग लिखता है, उस पर टाइप करता है, उसका एक अकाउंट बनाना होता है, कैसे बनाना होता है, क्या करना होता है, ये सारा कुछ जो है आप यूट्यूब से सीख लेंगे, गूगल से सीख लेंगे, सब कुछ अब आजकल के डेट में इंटरनेट पर सब कुछ है कि ब्लॉगिंग कैसे बने, ब्लॉगिंग कैसे करें, कैसे शुरुआत करें, इसमें कोई खर्चा नहीं है। एक आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक आपका मतलब ईमेल आईडी होना चाहिए, उससे आपका खाता बनता है, उसमें आप खाता नंबर जोड़ देंगे, जब आप उस पर प्रचार आना शुरू हो जाएगा उससे आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे, बहुत आसान है, और इस तरीके से ब्लॉगिंग होती है और उससे आप पैसे कमाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं जो तीसरा चीज, उसको बोलते हैं यूट्यूब। यूट्यूब देखिए, घबराइए मत, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं सही कह रहा हूं, आप यकीन करो ना करो, 10 साल बाद करो, मैं आपको याद आता रहूंगा कि लड़का वो सही कह रहा था। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप एक कुछ नहीं करते हैं, एक मोबाइल फोन से, जी हाँ, एक मोबाइल फोन से, इस तरीके का एक मोबाइल फोन से आप वीडियोज बनाते हैं, अपने ही मोबाइल फोन से एक वीडियोज बनाते हैं, और उस वीडियोज को सोचिए, उस वीडियोज को
अब हो सकता है वो वीडियो आपके फैमिली के हो, जैसे ब्लॉगिंग होता है, जैसे आपने इसे मोबाइल पकड़ा, आपने बताया कि हेलो दोस्तों मेरा राजेश कुमार, हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है राजेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके टूल चैनल, ऐसा आपने कुछ बोला और उसको रिकॉर्ड किया, 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियोज बनाया, आपने दिखाया कि ये सर ये मेरा गाँव है, मेरा ये देश है, मैं ये फैमिली के लोग हैं, जो भी आपको आता है, कुछ नहीं आता है तो जो आता है उसी को दिखाना शुरू कर दीजिए और लोग उसको देखने वाले दर्शक भी हैं, लोग उसको देखते हैं। मतलब कि मैं आपको क्या बताऊं यार, मतलब गरीब से गरीब इंसान है, मूर्ख से मूर्ख इंसान है, अगर उसको सच में YouTube की कुछ करना है, YouTube पे पैसे कमाना है तो वो कमा सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, सिर्फ आप YouTube के भरोसे मत रहना कि मैं YouTube से पैसे कमाऊंगा तो ये हो जाऊंगा वो हो जाऊंगा, नहीं, ये पैसे का कमाने का कोई जरिया और बनाना, उसके बाद से आप सोचना कि मैं YouTube से कमाऊंगा। पहला सोर्स जो इनकम होता है वो सोचना कि मैं कोई और काम कर रहा हूं, ये पार्ट टाइम है, मैं यूट्यूब करूंगा। लेकिन एक बात तय है, इसमें टाइम लगता है, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस है, है ना, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए, भी आपकी वीडियो जो वायरल होना चाहिए, आपका वीडियो जो कॉन्टेंट बना रहे हैं उससे ऑडियंस को कुछ मिलना चाहिए, जैसे मेरा है अभी मैं ये क्या करता हूं, पहले मैंने शौक के लिए किया था, अभी मैं पूरे अच्छे तरीके से करता हूँ, पहले मैंने ऐसे वैसे कुछ भी वीडियोस बनाता था, आपने देखा होगा अगर आप मेरे शुरुआती सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर हैं, शुरुआत से जब मैं किया था उस समय क्या किया था, उस समय कुछ ऐसा बनाया था और मैं इस तरीके से बोल भी नहीं पाता था, जैसे मैं आज मैं फ्रेंडली बोल रहा हूँ, एकदम मतलब कि 1-to-1 बात कर रहा हूँ आपसे, आपको समझ में भी आ रहा होगा, और इतना फास्ट मैं कैसे बोल पाता हूँ, कहाँ से ये सब बातें आते हैं, ये सब प्रकृति है, मैं कोई किताब पढ़ के कुछ ऐसा चिट्ठी पर्ची लिख करके मैं नहीं बोलता हूँ, ये सब ऑटोमेटिक आता है, और जो भी ज्ञान है सब कुछ मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए मैंने भी सीखा है, पहले मैंने सीखा है, मैंने 2018 में अपना चैनल स्टार्ट किया था, 2018 में अक्टूबर के महीने में, ठीक है, 2 अक्टूबर को शायद मेरी पहली वीडियो अपलोड हुई थी, 2 अक्टूबर को, वैसे 29 तारीख को मैंने अकाउंट बनाया था, बट 2 अक्टूबर को मैंने ये वीडियोज बनाना शुरू किया था, पहली वीडियो अपलोड किया था, उसमें आप जब जाकर देखेंगे तो मैं इस तरह थोड़ी बोल पा रहा था, ऐसे मैं रुक रुक के बोल रहा था, हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है राजेश कुमार और आप आरके टूल चैनल देख रहे हैं, ऐसे ऐसे रुक रुक करके मैं बोल रहा होता, लेकिन आज कुछ और ही मजा है। तो ये एक दिन में नहीं होता है, मैं शुरू में ये सोचता था कि यार 1000 सब्सक्राइबर पूरा कैसे होंगे, अब ये 1000 सब्सक्राइबर ही क्यों चाहिए, आपको जान अगर आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप YouTube शुरू करते हैं, YouTube एक एप्लीकेशन होता है और जिसमें आप वीडियोज फिल्में वगैरह गाना वाना सुनते हैं, अपना वीडियोज देखते हैं, तो YouTube पे आप जब अपना वीडियोज अपलोड करेंगे कैसे अपलोड होगा क्या होगा, एक मैं आपको बात बताता हूं कि मैंने एक ईबुक बनाया है, मतलब दिल से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक ईबुक बनाया है, उस ईबुक का रेट जो है ₹312 है, मैंने थंबनेल में भी लिखा था ₹312 में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप मानो या न मानो, उस ईबुक को खरीदने के लिए एक लिंक मैं दे रहा हूं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के उस पर क्लिक कीजिएगा, मात्र ₹312 का है, उसमें आप सब कुछ सीख जाएंगे कि YouTube से पैसा कैसे कमाते हैं, कैसे वीडियोज वायरल होती है, क्या वो ट्रिक होता है जो ट्रिक मैं यूज करके आज मैं आपके सामने जो है 3 लाख लोगों को जोड़ चुका हूं, बहुत पैसा भी कमा चुका हूं, बहुत ज्यादा नाम, बहुत ज्यादा वीडियोज मेरी चल चुकी हैं, किस किस तरीके से मैंने किया था, मैंने किस तरीके से दुख काटा था, वो मैंने अपने ईबुक में सब कुछ लिख रखा है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन से कुछ सीखना या फिर YouTube से पैसा कमाना अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के उसको जरूर खरीदेगा, वो मात्र ₹312 का है, जी हाँ मात्र ₹312 जाकर के आप खरीद लीजिएगा। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को लेकर के सीरियस हैं, पैशन है, आप चाहते हैं कि मैं एकदम करके रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं, अपने गोल तक अपने मकसद तक मैं पहुंच के रहूंगा, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये गलती मत कीजिएगा, आप जाकर के तुरंत खरीद लीजिएगा, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आप भटक जाएं, अच्छे जानकारी ना मिल पाए, अच्छा आपको किताब ना मिल पाए, अच्छे जानकारी देने वाले लोग ना मिल पाए, इसलिए आप जाकर के खरीद लीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप यूट्यूब पे पैसा कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं बहुत पैसा कमाऊं, तो आपको एक बात अपने मन में गांठ बांध लेना है कि मैं जो कर रहा हूं वो लोगों को कुछ हेल्प हो, लोग उससे कुछ सीखें, लोगों को कुछ फायदा हो। अगर इस तरीके से जब वीडियो बनाना शुरू करेंगे ना, तो आपका वीडियो चलेगा, आपका वीडियो रैंक करेगा, आपका वीडियो वायरल होगा और लोग आपको पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। आज मैं थोड़ी ना बोलता हूं किसी को कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, हाँ ये आदत सी हो गई है, वीडियोज में बोलता हूँ, लेकिन ऐसे में थोड़ी नहीं किसी को बोलता हूँ, क्यों मैं बोलूंगा, मैं जानता हूँ कि लोगों को यदि पसंद आ रहा है तो वो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो गालियां भी देंगे, लोग देते ही हैं,
गालियां भी देते हैं, लेकिन मैं पढ़ के हंस लेता हूं। मैं जानता हूं ये दुनिया की रीति है, आप सबको खुश नहीं कर सकते। अभी 3 लाख लोग होने वाले हैं, इन सबको मैं खुश थोड़ी देर कर सकता हूं। उसमें बहुत से लोग होंगे जो मेरे से जलते होंगे, बहुत से लोग होंगे जो मुझे प्यार करते होंगे, बहुत से लोग होंगे जो मेरे से सीखते होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरे वीडियोज को देख देख करके अपना कोई धंधा, कोई बिजनेस, कुछ कारोबार स्टार्ट कर लिया। मैं ये वीडियोज बनाने का सिर्फ मेरा मोटिव इतना ही है कि अगर मेरी वीडियोज को देख करके कोई एक ऐसा इंसान है जो अपनी जिंदगी में कुछ भी कर लेता है, अगर महीने का 20,000 रुपये भी कमा लेता है मेरे वीडियोज को देख करके, अपना धंधा स्टार्ट करके, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल है, मेरा सब कुछ सफल है। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं धार्मिक आदमी हूँ, मैं धार्मिक आदमी हूँ, भगवान पे विश्वास रखता हूँ, बाकी इस दुनिया में किसी पे मैं विश्वास नहीं रखता। एक भगवान पे और दूसरा अपने आप पे, मैं दो ही चीज़ों पे विश्वास रखता हूँ। मैं कोई भी कर्म करता हूँ तो उस ये सोचता हूँ कि उस रब की मर्जी, उस भगवान की मर्जी, तभी मुझे ये काम मिला है, तभी मैं इस काम को कर रहा हूँ। इसका जो भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा और मैं उसको अच्छे तरीके से स्वीकार करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो अगर सही होगा तो उसका रिजल्ट सही आएगा, जो गलत होगा तो उसका रिजल्ट गलत आएगा। तो इस सोच से मैं काम करता हूं, मैं ये लालच रख के नहीं करता हूं कि मैं ये कर रहा हूं तो ये वीडियो वायरल ही हो जाएगा, इस पे 50 लाख 1 करोड़ व्यूज ही आ जाएगा, मैं ये सोच के थोड़ी कर रहा हूं। और मैं ये जानता हूं कि अगर इतना हो जाएगा तो इसमें मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, मैं सिर्फ बोल रहा हूं। लेकिन रोल ये सिस्टम का है, ये यूट्यूब का है, उस किस्मत का है, उस लक का है, उस भगवान का है। मेरा इसमें कोई ऐसा मेहनत नहीं है जो मैं अपने आप को क्रेडिट लूं, मैं अपने आप को कभी क्रेडिट नहीं लेता। मैं ये भी जानता हूं कि आप सब ऑडियंस हैं, आप जितने भी लोग हैं आपके वजह से ही हो रहा है। अगर आप लोग प्यार नहीं देते, आप लोग वीडियोज नहीं देखते, आप लोग वॉच नहीं करते, तो मैं ये सब थोड़ी कर लेता, मैं नहीं कर पाता। और आप लोग भी यही सोच करके इस यूट्यूब को स्टार्ट कीजिएगा, या फिर किसी भी काम को स्टार्ट कीजिएगा, अपनी जिंदगी में कोई भी काम करना होगा ये सोच करके स्टार्ट कीजिएगा कि जो भी मैं कर रहा हूं ये उस रब की मर्जी है, वही मुझसे ये करवा रहा है, मैं अपने मर्जी से नहीं कर रहा हूं। और इसका जो भी रिजल्ट होगा वो मुझे स्वीकार है, भले इसका फल बुरा हो, तो हो सकता है कि मैंने कुछ गलत किया है इसी वजह से जो है मेरा ये गलत हो रहा है। अगर अच्छा हो रहा है तो भी आप क्रेडिट मत लीजिएगा कि मतलब कि मेरा खुद का है, ये सोचेगा कि उस रब का है, उस ईश्वर की मर्जी है और उसको स्वीकार करना हमारा कर्म है। दोस्तों, मैंने आपको 3 बिजनेस बताया। सबसे पहले मैंने बताया कि आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा जो जीरो से लागत मतलब शुरू हो, और दूसरा एक ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और तीसरा आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं। इन तीनों में कोई भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आज इस 2022 के समय में ये धड़ाधड़ चलेगा और जिंदगी भर चलेगा। अगर आप उसको अच्छे तरीके से सीख करके अच्छे ढंग से करेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा महान बनाएगा। मैं जितनी भी बातें आपको बताया हूँ, हो सकता है कि सारी बातें गलत हो और हो सकता है कि सारी बातें सही हो। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं पूरा परफेक्ट आपको ज्ञान दे रहा हूं और या फिर पूरा आपको बता रहा हूं। मेरा सिचुएशन जैसा था मैंने किया, आपका सिचुएशन कैसा है आपको देखना होगा, अपने समझ से, अपने विवेक से, अपने आप को देखिए। आपकी जो सिचुएशन है आप खुद समझते हैं कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूं, क्या मुझे इस समय यह काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको यह सूझबूझ होनी चाहिए, ठीक है। और आप कोई भी कदम उठाइएगा, मैं बार बार कहता हूं कि पहले सीख लीजिएगा, किसी भी काम को करने से पहले आप सीख लीजिएगा। सीख करके करेंगे तो घाटा नहीं लगेगा, धोखा नहीं खाएंगे। अगर बिना सीखे करेंगे तो आप डूब जाएंगे और आपका पैसा भी डूब जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको समझाया है, अच्छे तरीके से बताया है कि क्या आपको करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियोज पसंद आया तो प्लीज इस वीडियोज को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल की जो घंटी आती है उसको भी आप आल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उस बुक को यदि खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उसको खरीद सकते हैं, मात्र 312 रुपये की है। मैंने अच्छे तरीके से बताया है कि आप YouTube से पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए, मैं मिलता हूँ फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।